क्राफ्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्टलॉग। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे DIY को शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। आप चाहे तो इसे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं या अपने लिए, अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए भी इसे बना सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस DIY के लिए सबसे पहले मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है। यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का शॉपिंग बैग लिया है, आप चाहें तो किसी भी और कलर का ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो हैंडल है उसको रिमूव कर देंगे। जस्ट यू हैव टू रिमूव द हैंडल। उसके बाद आप शॉपिंग बैग्स के दोनों पार्ट्स को अलग कर लीजिएगा, कट आउट कर लीजिएगा। बेसिकली हमें यहाँ पर शॉपिंग बैग से काफ़ी सारे सर्कल्स कट आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने शॉपिंग बैग को मल्टीपल लेयर्स में फोल्ड कर लिया है। एंड नाउ हम एक सर्कल ट्रेस कर रहे हैं यूजिंग द सेलो टेप। यू कैन यूज़ एनी अदर सर्कुलर ऑब्जेक्ट। नाउ अब सर्कल्स ट्रेस करने के बाद अगेन वी आर मेकिंग मल्टीपल फोल्ड्स सो डैट हम एक साथ कई सारे सर्कल्स कट कर सकें और अपना टाइम सेव कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ डू लाइक, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो यू विल गेट मल्टीपल सर्कल्स आउट ऑफ अ बिग शॉपिंग बैग एंड दैट वुड बी इनफ फॉर दिस DIY। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने इतने सारे सर्कल्स कट आउट कर लिए हैं और अब हम इन सर्कल्स को स्पाइरल शेप में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग सीजर्स। सो जस्ट यू नीड टू टेक दैट सर्कल, टेक अ सीजर एंड आप सर्कमफेरेंस के अराउंड कट करते जाइए। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट इन दिस बिकॉज नेचर में भी जो हमारा रोज़ है उसके सारे पेटल्स बराबर नहीं होते हैं, बट इट लुक्स परफेक्ट। सो इन सेम वे वी आर ऑल्सो जस्ट ट्राइंग टू मेक अ रोज आउट ऑफ इट। सो हमने यहाँ पर स्पायरल शेप कट कर लिया है एंड देन यूजिंग एनी क्विलिंग टूल और नीडल और जस्ट बाय योर हैंड्स ऑल्सो यू विल रोल इट टू मेक अ रोज शेप। इफ यू डोंट हैव एनी क्विलिंग टूल देन ऑल्सो यू कैन मेक दिस स्पायरल जस्ट बाय यूजिंग योर हैंड। देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग दिस क्विलिंग टूल। सी जस्ट यू नीड टू रोल इट। And once you roll, after that, leave a little bit. अगर आप उसको थोड़ा सा छोड़ेंगे तो वो नीचे एक अपने आप ही ऑटोमेटिकली शेप ले लेगा रोज़ की और लास्ट में आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा फेविकोल लगाना है सो डैट यू मेक श्योर कि वो वहाँ पर पेस्ट रहे। एंड इफ यू वॉन्ट तो आप सेंटर के पार्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं टू मेक इट अ फुलर लुक। सिमिलरली आप सेकेंड रोज भी बना लीजिए। यहाँ पर मैंने दो सर्कल्स कटआउट को एक साथ पे ही स्पायरल शेप में कन्वर्ट करी हूँ। आप मल्टीपल्स को भी कट कर सकते हैं क्योंकि शॉपिंग बैग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही लो क्वालिटी होती है, बहुत ही थिन पेपर होता है वो। तो आप चाहें तो 3-4 सर्कल्स को एक साथ कट कर सकते हैं, यू कैन सेव योर टाइम। सो यू विल रिपीट द सेम प्रोसेस। आपको बस क्विलिंग टूल लेकर उसके एक टिप पर लगाकर उसे रोल करना है। इफ़ यू डोंट हैव क्विलिंग टूल देन ऑल्सो यू कैन डू जस्ट बाय रोलिंग इट विथ योर फिंगर्स। थोड़ा सा हल्का सा छोड़िए, अपने आप शेप लेगा एंड देन एट द बॉटम ऑफ इट अप्लाई फेविकोल टू पेस्ट इट। So another rose is also done and similarly we will make many of them. So I'm using all the circles to make the roses. Here it is.
सो नाउ यू विल टेक अ थर्माकोल बॉल. इसकी जगह पर आप कोई भी पेपर बॉल ले सकते हैं. पेपर बॉल आप कोई न्यूज़पेपर लीजिए और उसको क्रश कर दीजिए एंड यू विल गेट अ बॉल शेप. और उसके ऊपर यू विल हैव टू पेस्ट ऑल दीज रोजेज ऑन टॉप ऑफ इट. सो बेसिकली हमें यहाँ पर सेमी सर्कल कवर करना है विथ हेल्प ऑफ दीज रोजेज. सो मेक श्योर कि आप गैप्स ना छोड़ें, क्योंकि जितने कम गैप्स रहेंगे ये उतना ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगेगा. जितने रोजेज हमने कट आउट किए हैं आउट ऑफ अ शॉपिंग बैग, दैट विल बी इनफ फॉर कवरिंग दिस स्मॉल थर्माकोल बॉल. सो एक एक करके सारे रोजेस को इस पर पेस्ट कर लीजिए प्रॉपरली. इफ़ यू आर यूजिंग फेविकोल तो थोड़ा टाइम दीजिएगा ड्राई होने के लिए. सी यहाँ इट इज़ रेडी. नाउ वी विल टेक अ पेपर कप. मेरे पेपर कप में ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न पेपर लगा हुआ है, तो मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ. बस अब आपको रिम पर जो कप का जो एज है उस पर आपको फेविकोल या ग्लू गन की हेल्प से इस बॉल को उस कप के ऊपर पेस्ट कर देना है. एंड सी अ लिटिल बुके और अ टोपियारी इज रेडी. नाउ हेयर आई एम यूजिंग सेम शॉपिंग बैग फॉर मेकिंग अ बो ऑल्सो. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मेक अ बो ऑफ अ पेपर ऑल्सो. एंड इफ़ यू वॉन्ट इट्स ट्यूटोरियल तो प्लीज़ मेरे चैनल पर है, मैं आई बटन पर उसका लिंक भी दे दूँगी, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा. यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग से बनाया है. मैंने एक शॉपिंग बैग के स्ट्रिप को हाफ में फोल्ड किया, लीफ शेप बनाया एंड देन आई हैव कट इट आउट. अब बस हमें एजेस को सेंटर पार्ट पर लाकर पेस्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ ग्लू और फेविकोल. नाउ हम एक स्ट्रिप लेंगे एंड सेंटर पार्ट पर उसको ग्लू कर देंगे टू गिव इट अ क्लीनर लुक. सो सी नाउ आवर बो इज रेडी एंड नाउ वी विल पेस्ट दिस बो on our cup and see our beautiful rose topiary is ready. I hope you like the video. यहाँ पर मैंने ये DIY बहुत ही minimal budget में बनाया है. आपको यहाँ पर सिर्फ एक shopping bag चाहिए जो आपको absolutely free मिलता है and paper cup की जगह अगर आप चाहें तो paper से भी cup बना सकते हैं. It is very simple और this beautiful रोज़ बुके और रोज़ टोपियारी इज रेडी इन आई विल से लेस देन 10 rupees. सो आई विल सजेस्ट दैट प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी क्राफ्टिंग.